हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया कंसेप्ट, फिगर काउंटिंग का। हम देखेंगे कैसे हम किसी भी ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज को या ट्रायंगल्स को हम लोग किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं, केवल मात्र मात्र 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर हम किसी भी ट्रायंगल को, किसी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर एक ट्रायंगल को हम सॉल्व कर पाएंगे आज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तुरंत आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, और अगर शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी अवेलेबल है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी के अभी जुड़ जाइए उस टेलीग्राम पे, वहां आपको हर चीज की अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। अब शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने की। देखो, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक ही ट्रायंगल है, तो उसमें साफ लिख दिया वन ट्रायंगल, ओनली वन। यहाँ पे आपको दिख रहा है दो ट्रायंगल है तो हमने लिख दिया एक और दो। ठीक है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। यहाँ दिख जरूर दो रहे हैं, एक ये और एक ये, पर ये है नहीं। कितने हैं? सबसे बड़ा कितना है? दो। दो को लिया, उससे एक बड़ा लिया, कितना हो गया? छह। 3 दूनी 6, 6 का आधा कर दिया 3, तो यहाँ 3 ट्रायंगल। कैसे? एक तो आपका ये वाला बन गया, एक आपका ये दिख रहा है, और एक इन दोनों को मिला के एक बड़ा वाला ट्रायंगल, 3 हो गए। सेम ऐसे ही 1 2 3, सबसे बड़ा क्या है? 3 है। 3 से एक बड़ा लेंगे, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 दूनी 12, 12 का आधा कर दिया, कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें हो गया आपके 6 ट्रायंगल। सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा क्या है? 5वां नंबर। 5 से एक बड़ा लेंगे, 6 हो गया, 5 6 5 30, 30 का आधा कितना हो गया? 15। तो इसमें हो गया आपके 15 ट्रायंगल्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर इसी ट्रायंगल में, अगर इसी प्रकार के ट्रायंगल्स में मैं क्या करूं, एक लाइन और खींच दू, जैसे कि एक लाइन इधर खींच दी, दो लाइन मान लो इधर खींच दी, और एक लाइन मान लो इधर खींच दी। दिख रहा है आपको? एक लाइन इधर खींच दी, मान लीजिए दो लाइन इधर खींच दी, एक लाइन इधर खींच दी। अब बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करेंगे? सेम वही रहेगा। अब तुम्हें देखना क्या है, ये जो लाइन जो खींची है इसने क्या काम किया, इस वाली लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये है एक हिस्सा ये है। तो यहां भी हम जो आया है उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अब देखो, ये जो दो लाइन खींची है इसने क्या काम किया, इस लाइन को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा, दो हिस्सा, 3 हिस्सा। तो इसको ही मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, 18 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस लाइन ने क्या किया, इस ट्रायंगल, इस वाली लाइन को, इस लाइन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 30 इसका हो जाएगा। आई बात समझ में किस प्रकार से किया? तो ये था, अगर आपके इस प्रकार से ट्रायंगल आते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने आते हैं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एक और फिगर आती है आपकी इस प्रकार की आती है, देखिएगा दिख रही होगी आपको, इस टाइप की फिगर आती है और आपसे पूछा था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 हो गए। यहाँ कितना दिख रहा है? 1 2 3 4। जो बच्चे को नहीं आता वो क्या लिखेगा? 4। पर नहीं, जो दिखता है उसका डबल होता है, जो दिखता है उसका डबल हो जाएगा, 4 2 8, 8 हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं यहाँ कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिख रहा है, तो इसका आंसर 8 नहीं होगा, इसका डबल होगा 16। कितना हो जाएगा? 16 इसका सही आंसर होगा। जितना दिखता है उसका डबल कर दीजिए, उतना इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो इतना हमने समझा है उसी है बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। देखना, ये रहा आपके सामने, आपके सामने ये रहे 4 प्रश्न, वही जो अभी हमने देखा उसी बेस। देखना, यहाँ देखिएगा आपको, जो अभी हमने देखा उसी टाइप के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इतना है एक हिस्सा ये है, ठीक है, ये हिस्सा इतना। देखना, अब यहाँ काउंट करिए, 1 2 3 4 5, कितना दिख रहा है? 5। 5 का डबल 10, 10 यहाँ पे, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, मतलब 10 इधर है प्लस का 16 इधर हो गए, कितना हो गया? 26 बोलोगे आप लोग, कितना बोलोगे? 26 बोलोगे, पर ये 26 सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल, जब भी दो फिगर, जब भी कभी भी हम दो फिगर को जोड़ेंगे, एक नया ट्रायंगल या नई फिगर जरूर बनेगी, जरूर नहीं ट्रायंगल बने, कोई नई फिगर बनेगी। क्या? देखना, इन दोनों को जोड़ने से एक ट्रायंगल, देखिए ये बना, दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल बना एक, और एक ट्रायंगल ये बना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने हैं, तो क्या करेंगे, 26 में प्लस 2 और करेंगे, 28 आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। अब ये वाला कोशिश कीजिएगा आप लोग बनाने के लिए। देखना, यहाँ पे कितनी है, 3 फिगर है, 1 2 3,
तीन, तीन फिगर है। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, पांच है, पांच का डबल 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6, छह है, छह का डबल 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 का डबल 14 हो गया, ठीक है, 10 12 और 14। अब देखते हैं जो फिगर को मतलब ज्वाइन करने से क्या बनेगा, देखना अगर इसको इन दोनों को देखे, इसको और इसको, तो क्या होगा, देखना वही सेम, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, दो ट्रायंगल बन गए, तो प्लस का 2 तो उधर हो गया। अब यहां देखिए यहां कैसे बनेगा, देखो एक तो वही सेम ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, ठीक है, प्लस 2 तो ये हो ही गया प्लस का 2, पर एक और फिगर बने, देखो जब ये दोनों ट्रायंगल इधर जुड़ते हैं, ये लाइन देना, इस चीज, इस लाइन को ध्यान देना, इस लाइन जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना, इसकी वजह से क्या बन रहा है, देखना एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ध्यान दिया, इस एक सिंगल, देखो यहां ये लाइन नहीं थी, कंप्लीट लाइन नहीं थी, इस वजह से ये ट्रायंगल नहीं बना, पर यहां पे ये लाइन कंप्लीट है, इसकी वजह से ये दो ट्रायंगल और बने, तो प्लस का 2 और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा कितना हुआ आपका आंसर, 10 का 10 प्लस का 12 प्लस का 14 प्लस 2 2 4 और 2 6, ये 6 और 4 10 और 2 12 1 2 3 4, 42 आपका सही आंसर हो गया। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से, सेम पहले हम अलग अलग निकालेंगे, पहले इसको निकालिए, 4 दिख रहे हैं, 4 का डबल 8 हो गया, यहां भी 4 दिख रहे हैं, 4 का डबल 8 हो गया, यहां भी 4 दिख रहे हैं, 4 का डबल 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाने से दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, अभी सिखाया था मैंने, ये दो जो बन रहे हैं, ये दो जो बन रहे हैं, एक ये और एक ये, सेम ऐसे इन दोनों को मिलाने से दो ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों से दो ट्रायंगल बन गए, पर इन दोनों से तो कुछ बना ही नहीं, इनसे क्या बने, कुछ नहीं बने, दोनों ज्वाइन में नहीं, लेकिन इन तीनों से तो कुछ बन सकता है, देखिएगा एक ट्रायंगल ये और बन रहा है, एक और एक ये रहा, ये ध्यान दिया आपने, तीनों को जोड़ने से, हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई दो से तीन फिगर जुड़ेंगी हमेशा कोई नई फिगर बन सकती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो क्या होगा, प्लस का 1 और करें आखिरी में, 8 8 16 24 24, तो ये हुआ प्लस का ये 4 ये हुआ, और प्लस का 1 जो भी काउंट किया वो हो गया, 4 4 8 और 1 9 और 2 29, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इस सवाल को मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क का सवाल है, कल हम इसी से शुरुआत करेंगे, इसका आंसर क्या था, इसको आप लोग कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, सेम वैसे ही करना है, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, फिर कंबाइन कर देखेंगे इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, और फिर देखेंगे चारों को मिलाया कुछ बन रहा है नहीं बन रहा। तो ये आपका होमवर्क का सवाल है, इसको जरूर बताइएगा, और लास्ट में आपको यही बोलूंगी, क्वेश्चन को, आंसर को कमेंट कीजिएगा, आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, और आपको बताना है कि ये क्लास आपको के लिए फायदेमंद है या नहीं है, मजा आ रहा है इस क्लास में या नहीं आ रहा, और आप सभी से गुजारिश करूंगी इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अगर आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़े नहीं है तो तुरंत अभी टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर और लाइक प्लीज, और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।